नमस्कार, मैं हूं अंजलि। जी पुरवैया की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पिया के लिए 15 दिन। जी हाँ, ये नाम ही बहुत कुछ अपने आप में बताता है कि हम बात कर रहे हैं मधुश्रावणी की, जो कि बिहार के मिथिलांचल इलाके में धूमधाम से मनाया जाता है। 15 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है और इसे मनाती हैं नवविवाहिता अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए। मधुश्रावणी है क्या, क्या है इसका खास महत्व, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद फिर हम लौटेंगे। सावन की रिमझिम फुहार के बीच आता है सुहागिनों का त्योहार मधुश्रावणी। मधुश्रावणी नवविवाहितों का प्रमुख त्योहार है। मूल रूप से बिहार के मिथिलांचल में मनाए जाने वाले इस त्योहार की छटा देखते ही बनती है। जिन लोगों का विवाह इस वर्ष ही हुआ है, उनके द्वारा सावन मास में इस त्योहार को मनाया जाता है। मधुश्रावणी के एक पखवारे तक मिथिला के उपवन, घर आंगन, नवविवाहिताओं की पायलों की रुंझुन और फूल पत्ती बीनने के समय गाए जाने वाले नचारी बटगवनी गीतों से गुंजायमान रहते हैं। पखवारे भर चलने वाला मिथिला का मधुश्रावणी पर्व एक मिसाल है। पति के दीर्घायु होने की कामना को लेकर होने वाले नवविवाहिताओं का यह पर्व सावन मौना पंचमी के दिन से प्रारंभ होता है। प्रतिदिन सुबह ससुराल से आए वस्त्र और स्वर्णाभूषण पहन सज धज कर नाग सहित अन्य देवों की पूजा की जाती है। उसके बाद अपनी सहेलियों के साथ गांव के फुलवारियों और वनों से टोलियों में नचारी का गायन करते हुए फूल पत्ती बीन कर गांव के किसी देवालय या सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर सहेलियों की मदद से बांस की बनी डाली में फूल पत्ती सजाकर बटगवनी का गायन करते हुए हंसी ठिठोली करते पूजा घर में रख देती हैं। इस पूजा में व्रती नवविवाहिताएं ससुराल से आए वस्त्र, अन्न और अन्य सामग्रियों का प्रयोग करती हैं। इस अवसर पर ससुराल से मधुश्रावणी के दिन विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, फल, भोज सामग्री सहित परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े भी आते हैं। मधुश्रावणी के दिन पूजा की समाप्ति के बाद महिलाओं को भोजन कराया जाता है। इस पर्व की खासियत यह है कि इसमें पूजा कराने और कथा सुनाने वाली महिलाएं ही होती हैं। पूजा के समय आसपास की महिलाएं सम्मिलित होती हैं। ये पूजा मूल रूप से नाग से पति की रक्षा के लिए होती है। मधुश्रावणी के दिन पति या उनकी अनुपस्थिति में सिंदूर दान की रस्म के बाद टेमे दागने की प्रथा है। इसमें नवविवाहिताओं 5 टेमी, 7 आरत पात और पान पात की आवश्यकता होती है।
पति द्वारा पान और आरतपाद द्वारा दोनों आँख को ढक दिया जाता है। उसके बाद विधकरी द्वारा नवविवाहिता के दोनों पैर पर जलते हुए टेमी से दागने की रस्म अदा की जाती है। इस विषय में आस्था है कि दागने के बाद जितने बड़े फफोले उगते हैं वह उतनी ही सौभाग्यशाली होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप बहुत कुछ समझ गए होंगे मधुश्रावणी के बारे में। तो जी पुरवैया के आज के इस खास कार्यक्रम में आपको मधुश्रावणी के अनेकों रंग, मधुश्रावणी से जुड़ी खासियत और सबसे बड़ी बात, मधुश्रावणी में गाए जाने वाले अनेकों गीत आप सुनेंगे, देखेंगे और आप भी एंजॉय करेंगे। क्योंकि अगर आप मेरे आसपास का माहौल देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और ये सभी महिलाएं वैसी हैं जो जब नवविवाहित थी, यानी कि नई नई शादी जब हुई थी तो इन्होंने भी मधुश्रावणी का त्यौहार मनाया था और बड़े धूमधाम से मनाया था। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि मधुश्रावणी के ऊपर हम बात करें, उससे पहले क्यों ना एक खास गीत इससे जुड़ा हुआ हो जाए। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर पूनम सिन्हा और रेखा झा का परिचय आपको दे दूँ। लकीली आज हमारे साथ गैंग्स ऑफ वॉसिप पूर फेम रेखा झा हैं, जिन्होंने ओ वुमनिया गाना गाया था इस फिल्म का और आपने उसे बहुत पसंद भी किया था। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि रेखा झा हमारे साथ है और उनकी जोड़ीदार डॉक्टर पूनम सिन्हा भी हमारे साथ है, जो कि विशेष अनेकों रंग से भरे गीत आपको सुनाएंगी, जो कि मधुश्रावणी में एक अनोखा महत्व रखते हैं, अलग महत्व होता है इनका। तो मैं माइक अब देती हूँ रेखा झा को और आगे आप उनको सुनिए, फिर बातचीत होगी। गौरी फूल लोरा गेली फूल बरिया, संग में सहेलियाना। गौरी फूल लोरा गेली फूल बरिया, संग में सहेलियाना। के ओ बेली फूल लोरे, के ओ चमेली फूल लोरे, चमेली फूल लोरे, के ओ लोढ़ी ले लनी, के ओ लोढ़ी ले लन धतुरक पतिया, संग में सहेलियाना। लोढ़ी ले लन धतुरक पतिया, संग में सहेलियाना। गौरी फूल लोरा गेली फूल भरिया, संग में सहेलियाना। के ओ राम बर मांगे, के ओ कृष्ण बर मांगे, के ओ राम बर मांगे, के ओ कृष्ण बर मांगे, के ओ मांगी लेलन, के ओ मांगी लेलन तपसी भी करिया, संग में सहेलियाना। के ओ मांगी लेलन तपसी भी करिया, संग में सहेलियाना। गौरा फूल लोरा गेली फूल बरिया, संग में सहेलियाना। तो इस प्यारे से गीत से शुरुआत मधुश्रावणी की अच्छी हो गई है और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी यहाँ पर महिलाएं हैं और इन सभी ने मधुश्रावणी का 15 दिन तक चलने वाला ये खास त्यौहार भी मनाया होगा। तो अब ज़रा बातचीत करते हैं और मधुश्रावणी में नवविवाहिताएँ करती क्या हैं, कैसे कैसे पूरा ये 15 दिन का सफ़र बीतता है और क्या क्या इसमें ख़ास बातें होती हैं, ये हम जानेंगे। पहले मैंने रेखा झा और डॉक्टर पूनम सिन्हा से आपका परिचय करा ही दिया और हमारे साथ और भी कुछ महिलाएँ हैं, जनक किशोरी जी हमारे साथ, लता जी हैं और तारा गुप्ता भी हमारे साथ हैं, इन सबसे बातचीत होगी। पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर पूनम सिन्हा से मधुश्रावणी के ऊपर कुछ खास बातचीत हो जाए। पूनम जी, मुझे ये बताइए कि मधुश्रावणी कितना खास त्यौहार है नवविवाहिताओं के लिए, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण होता है मिथिलांचल में? ये सावन मास ही, पहले तो हमारे यहाँ सावन मास को ही बहुत पावन कहा जाता है और बहुत पावन होता भी है। इसमें पंचमी तिथि से, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि से ये प्रारंभ होकर सावन मास के
तृतीया तक, कृष्ण पक्ष के तृतीया तक ये चलता है। और ये 15 दिनों में महिलाएं जो नवविवाहिता हैं विशेष रूप से धूमधाम से बहुत हर्षोल्लास से मनाती हैं। और सुबह जब ये फूल तोड़ना, शाम को फिर फूल तोड़ना, लोढ़ना उसको बोलते हैं हमारे मिथिलांचल में, उसको करते हुए घाट पर जाके दिया जलाना। और इस पूजा को गौरी गणेश का मुख्य रूप से पूजा होता है, गौरी शंकर की पूजा होती है, विषधर की पूजा होती है। और इसकी बात मैं सबसे प्रधान इसकी बात सबसे मुख्य बात यह होती है कि इसमें जो है जो सुहागिन औरतें होती हैं, जो नवविवाहिता होती हैं, उनको लास्ट दिन जो है वो अंतिम दिन दिया के एक बत्ती से, उसको टेमी बोलते हैं हम लोग, उससे उनके पैर के ऊपर दागा जाता है। अच्छा। तो और उस समय पान के पत्ते से उनके आँखों को ढक के, और वो फफोला जितना बड़ा होता है, तो हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, और उनकी आँखों को उनके पति ढकते हैं। मैंने ऐसा पति अगर है तो, अगर यदि नहीं है तो भाई, तो ये ढकते हैं। और जो विधकरी होती हैं, एक विध करवाने वाली माँ बहन चाची बुआ कोई भी, तो अपने ही परिवार की, तो वो उस टेमी से उनके पैर के ऊपर घुटने के ऊपर दागा जाता है। तो मान्यता यह है कि जितना बड़ा फफोला होता है उनके पति की आयु उतनी लंबी होती है, तो इस चीज़ से जोड़ा जाता है। तो पति के लिए तो ये व्रत है ही, और कितना कठिन है कि किसी के पैर के ऊपर दागना बहुत कष्टप्रद होता है, जो सबके वश की बात नहीं है, और इसको ऐसे मनाते हैं। और इसमें, अच्छा, इसमें ऐसा भी सुना है मैंने कि जो 15 दिन जो नवविवाहिताएं होती है, यानी कि जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो सावन के महीने में जब मधुश्रावणी मनाया जाता है, 15 दिनों का ये त्यौहार है, वो अपने मायके में रहती हैं, और मायके में रहती है लेकिन 15 दिनों तक जो उनके पहनने के लिए कपड़े होते हैं, खाने का जो भोजन है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो सब उनके ससुराल से पैक करके आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ, वो सब भी सारा कुछ आता है। और सबसे खास बात ये होती है इसमें कि पूजा जो व्रत की कथा जो सुनी जाती है, जो नवविवाहिता कथा सुनती हैं, तो उसमें एक केचुआ और सुग्गा मतलब तोता, इस और विषहर, इस सब की चर्चा बहुत प्रधान रूप से, नाग देवता, जी नाग नागिन बनाते हैं। जी हाँ, तो इसकी चर्चा विशेष रूप से होती है। उसमें क्या होता है कि एक नए कपड़े में वो 14 हर्रे, 14 पान, 14 सुपारी, धनिया, अक्षत, दूब और कुछ पैसे, ये सारा कुछ मिला के एक पोटली तैयार होता है। और उस पोटली को नए कपड़े में, लाल या पीले रंग का वो पोटली होता है, वो पोटली को हाथ में लेके वो कथा सुनना होता है, इसकी महानता होती है। तो केचुआ, उसी पोटली को केचुआ का नाम दिया गया है, केचुआ वही होता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूनम जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर मधु श्रावणी का त्यौहार क्यों इतना महत्व रखता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि नवविवाहिता जब मधु श्रावणी का त्यौहार 15 दिनों तक मनाती है अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए, पूजा में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, और गीत मधु श्रावणी में बहुत ही खास महत्वपूर्ण होते हैं, महत्व रखते हैं। एक गीत तो हमने आपको पहले ही सुना दिया, रेखा जी और पूनम जी ने सुनाया है, आगे भी बहुत सारी गीत हैं जो आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले और बातचीत हो जाए। हेमलता जी हमारे साथ हैं। हेमलता जी, जैसा कि मैंने पूनम जी से भी कहा कि इसमें एक दिलचस्प बात ये होती है मधुश्रावणी के त्यौहार में कि 15 दिन तक लड़की को यानी कि नवविवाहिता को क्या पहनना है, क्या खाना है, और पूरी जो एक दिनचर्या में शामिल चीज़ें होती हैं सब ससुराल से पैक होकर के आता है, और जब वो अपनी सखियों के साथ फूल चुनने या तोड़ने जाती हैं तो सधज कर जाती हैं दुल्हन की तरह। ऐसा है, जब शाम को फूल लोढ़ने जाती हैं, उसको लोढ़ना कहते हैं, तो सभी सखियां पहले तो ग्रुप में एकत्र हो जाती हैं, और नई साड़ी जो कि ससुराल की साड़ी होती है, नई साड़ी पहन के और पूरे श्रृंगार के साथ जाती हैं, फूल लोढ़ के लाती हैं, घर में रात में रखती हैं, और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक उठ के और तब पूजा के लिए तैयारी करती हैं। अच्छा, जनक किशोरी जी, जाहिर है कि मधुश्रावणी जो 15 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है बहुत खास होता ही है, और जो नवविवाहिताएं होती हैं वो काफ़ी दिनों पहले से ही इसके लिए तैयारियां करना शुरू कर देती हैं, पूजा का विशेष महत्व होता है, कई सारे भगवान वैसे तो हिंदू प्रथा में हैं और हिंदू धर्म में हैं, किन किन विशेष ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा होती है मधुश्रावणी के समय? ये सावन महीना ऐसे भी तो शिव जी का है, और शिव और पार्वती का विशेष इसमें पूजा होती है, और लड़कियां जो नवविवाहिता रहती हैं अपने मायके आने के लिए तरसती हैं, क्योंकि इसी समय सब
उसकी जो एज ग्रुप की जितनी भी लड़कियां रहती हैं सब इसी समय अपने मायके में आती, तो वो लोग बहुत खुश होती हैं और मिलजुल कर वो लोग फूल लोढ़ने जाती हैं, ढेरों बात करती हैं, मौज मस्ती ये 15 दिन तक उन लोग का, और क्या ससुराल का होता है, मायके का, इधर उधर का बातचीत भी खूब होती है, बहुत तरह का मस्ती होती है। तो हर तरह की बातचीत सारी नवविवाहिता अपनी सहेलियों के ग्रुप में इकट्ठा होकर करती हैं और शरारतें भी होती हैं जैसा कि जनक किशोरी जी बता रही थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर पूनम सिन्हा रेखा झा से और भी खूबसूरत मधुर श्रावणी के गीत सुनेंगे, और तारा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर मधुर श्रावणी को उन्होंने कितना समझा देखा है और आज के दौर में क्या इसका महत्व घटा है या फिर आज के दौर में भी पहले की तरह ही मधुर श्रावणी का महत्व बरकरार है। इन सारी बातों पर बातचीत होगी, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मधु श्रावणी की इस खास पेशकश में जिसका नाम है पिया के लिए 15 दिन। जी हाँ, 15 दिन का ये त्यौहार मिथिलांचल इलाके में नवविवाहिताएं मनाती हैं, जैसा कि बातचीत ब्रेक में जाने से पहले हो रही थी, बहुत कुछ बातचीत हो गई है। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि मधु श्रावणी के इस खास त्यौहार में गीतों का अलग ही महत्व होता है, तो मैं रेखा जी और पूनम जी दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भगवान की आराधना उसमें होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है, तो उनके लिए भी विशेष गीत गाया जाता है, उस गीत को हमारे सामने वो रखें और सुनाएं ताकि आप भी सुनें और हम सब भी सुनें। सिंह पर एक कमल राजित काहे ऊपर भगवती माँ, सिंह पर एक कमल राजित काहे ऊपर भगवती माँ, कमल राजित ताही ऊपर भगवती माँ। तो ये भगवती की आराधना में, भगवती के लिए मधु श्रावणी के इस खास त्यौहार में गीत गाया जाता है, ऐसे ही प्रसन्न होती हैं देवी माँ, गौरी माँ की विशेष पूजा अर्चना होती है। अब थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं मधु श्रावणी के इस खास त्यौहार के बारे में। तारा आंटी हमारे साथ है जो कि हमारे बीच सबसे अनुभवी हैं। मेरा उनसे ये सवाल होगा कि आपको लगता है आंटी की पहले जिस तरीके से मधु श्रावणी महिलाएँ मनाती थीं और बहुत पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती थी, आज की जो लड़कियाँ हैं, जो नवविवाहिता हैं इस मॉडर्न एज में, उतना कुछ कर पा रही हैं मधु श्रावणी के साथ, जस्टिस कर पा रही हैं, ठीक ढंग से पूजा हो पाती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। वो पहले सर्व का माहौल तो बहुत कुछ बदल गया, सब चीज़ का, श्रृंगार का, रहन सहन का, श्रद्धा का, लेकिन इस चीज़ में मैं देखती हूँ कि पारंपरिक रूप से चला ही आ रहा है। इसका एक मुख्य कारण भी है कि घर के सारे लोग इसमें कोऑपरेट करते हैं। जैसे घर का लोग सब कहने लगे, अरे ये पुराना चीज़ है, क्या है, इसको ढो रही हो, क्यों हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो शायद धीरे धीरे कुछ कम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पास पड़ोसी हैं, चाहे जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग इसको रेस्पेक्ट करके और कोऑपरेट करते हैं। तो जहाँ पर जो पारिवारिक कोऑपरेट रहेगा तो वहाँ तो ये तो परम्परा चालू रहेगा ही। और जैसे जो लोग बाहर में ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, जो बाहर हैं, तो जिनका पहला सावन आता है उनके ससुर सास सब कुछ मना दिन गिनते रहते हैं कि कब शुरू होगा, तुम ला के बहू को पहुंचाओ। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारे घर में ऐसे ही बुज़ुर्गों की ज़रूरत होती है, जो कि सभ्यता संस्कृति से जो नौजवान है, जो नई लड़कियाँ हैं आज के दौर की, उनको भी जोड़ के रखने का काम करती हैं। अच्छा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी पूनम जी, जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक मधु श्रावणी में जो लड़कियों का एक ग्रुप होता है, जो अपनी सहेलियों के साथ वो जाती हैं फूल चुनने के लिए या तोड़ने के लिए जाती हैं, तो उस बीच बहुत सारी शरारतें भी होती होंगी, शरारती भरी बातें भी होती होंगी। आपने भी मनाया होगा मधु श्रावणी जब आप नवविवाहित होंगी, तो उस समय क्या बातचीत होती है सखी सहेलियों के बीच, ससुराल की बुराई होती है? में हाँ, ससुराल तो बहुत ही हमारे यहाँ दुरागमन की प्रथा है कि पहले तो दुरागमन, शादी के बाद लड़कियाँ विदा नहीं होती थी, एक साल, दो साल, तीन साल, क्योंकि कम उम्र में शादी होती थी तो इसलिए विदाई नहीं होती थी। तो दुरागमन मतलब दूसरी बार जाना,
ऐसा होता था, लेकिन उस बीच ही मधुश्रावणी पड़ता था तो लड़कियां तो ससुराल गई, लेकिन पति और पति के मार्फत अपने ससुराल वालों की बातचीत, पहले चिट्ठी का ज़माना था, मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, तो इसलिए चिट्ठी के द्वारा जिन लोगों से परिचय होता था तो उसी चिट्ठी के माध्यम से कुछ पता चले, कुछ पति के द्वारा ससुराल के लोगों के बारे में जानकारी मिलती थी। इसमें एक खास बात, लड़कियां तब भी मनाती थी और आज के दिन में विधि विधान में थोड़ी कमी आ गई है, हकीकत यही है, विधि विधान की कमी की वजह से, समय की वजह से, और बहुत सारे अब लोग भी काफ़ी फास्ट लाइफ लोगों का हो गया है, तो पहले होता था सुहाग मंथन भी इसमें बहुत बृहद से होता है, सुहाग मथा जाता है और हर एक बीत जो है सब बड़ा 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 काफ़ी मतलब कठिन हाँ, ये सुहाग मथने वाली विधि क्या होती है? सिंधोड़ा जिसको बोलते हैं, तो सिंधोड़ा में सिंदूर को मथा जाता है और सुहागन के इस पे इसके ऊपर पूरा सुहाग लिखा जाता है, पूरा सुहाग उसमें लिखा जाता है, बहुत सारी बातें होती है, उसमें सुगा बनता है और सुहाग का गोरी गणेश भी, हाँ सब फोरहेड पे बनता है और वो सब अब धीरे धीरे कम हो रहा है गाँव में बहुत, जब आप पिछड़े गाँव में जाइएगा तो दिखेगा, अभी भी है लेकिन शहरों में अब इस। अच्छा ये बताइए मुझे पूनम जी, आपने भी मधुश्रावणी का 15 दिनों का ये त्यौहार पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया होगा और सहेलियों के बीच में कंपटीशन भी होता होगा, कौन सबसे अच्छे से तैयार हुआ है, किसके ससुराल से कितना सामान आया है, ये सारी बातचीत भी होती होगी? ये सब बहुत बहुत इंजॉय, हाँ हाँ बहुत इंजॉय, बहुत सी शरारत होती है, हाँ उसमें रास्ते में चलने का, वहाँ तो हमारे यहाँ हर विध का गाना है, तो उसमें एक गाना होता है जो रास्ते में हम लोग चलते हैं उसमें झूमर गाते हैं बटगमनी गाते हैं, तो यहाँ प्रस्तुत है एक बटगमनी कहते हैं क्या झूमर से, चानन बुझी हम रो पल सजनी गे, चानन बुझी हम रो पल सजनी गे, भागेल से मरक गाछ सजनी गे, भागेल से मरक गाछ सजनी गे, कोई छभरी लो ढलौं चंगेरा भरी सजनी गे, कोई छभरी लो ढलौं चंगेरा भरी सजनी गे, सेज भरी देलौं छिरिया सजनी गे, सेज भरी देलौं छिरिया सजनी गे, ताही गमक पिया जागल सजनी गे, ताही गमक पिया जागल सजनी गे, रूसी चलल पर देश सजनी गे, रूसी चलल पर देश सजनी गे। अब मधुश्रावणी के बारे में ढेरों बातचीत हुई, बहुत सारे गीत भी हमने आपको सुनाए हैं, अब प्रोग्राम तो यही खत्म होने का वक्त हो चुका है।